तो फाइनली दोस्तों काफी लंबे इंतजार के बाद खिलाड़ी हूँ खिलाड़ी अक्षय कुमार की बैल बॉटम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें जबरदस्त एक्शन के साथ साथ दिलों को छू जाने वाला VFX है और साथ ही खिलाड़ी हूँ खिलाड़ी अक्षय कुमार का वो जबरदस्त अंदाज जो आपको फिल्म को देखने के लिए थिएटर तक जाने पे मजबूर कर देगा। दोस्तों फिल्म के 3 मिनट के ट्रेलर में वो सब कुछ दिखाया गया है जो एक जबरदस्त फिल्म के अंदर होना चाहिए। और साथ ही आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है अक्षय कुमार के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म साबित होने वाली है। तो कैसे होने वाली है, उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के स्टार कास्ट की। अक्षय कुमार के साथ इसमें वाणी कपूर, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता नजर आएंगी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जैकी बरनानी ने, जो प्रोड्यूसर के साथ साथ कमाल के एक्टर भी हैं। फिल्म की कहानी 1984 के दशक की है। फिल्म में आपको अक्षय कुमार का किरदार एक जासूस का नजर आने वाला है, जो 80s के दशक के डिटेक्टिव दिवाकर से मिलता जुलता है। लेकिन अक्षय कुमार का किरदार डिटेक्टिव दिवाकर से भी ज्यादा एडवांस और इंटेलिजेंट होगा, और वो अक्षय कुमार को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया ट्रेलर में उससे लगता है। फिल्म में कहानी 1984 में हुए प्लेन हाईजैक की होगी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है उग्रवादियों के जरिए, और अक्षय कुमार किस तरह प्लेन में फंसे हुए लोगों की जान बचाते हैं उग्रवादियों से और प्लेन को वापस लेके आते हैं, ये फिल्म की कहानी होगी। लेकिन फिल्म में अक्षय कुमार के कैरेक्टर को इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया है जो आपका ध्यान फिल्म से हटने नहीं देगा। रिसोर्सेज की माने तो इस फिल्म का नाम बेल बॉटम रखने की एक वजह है कि ये फिल्म 80s के दौर की है, और उस दौर में बेल बॉटम पैंट पहनने का ट्रेंड बहुत ज्यादा था। लेकिन वही कुछ लोगों का कहना ये भी है कि साल 2019 में एक कन्नड़ फिल्म जिसका नाम बेल बॉटम था, इस नाम को उससे कॉपी किया गया है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों फिल्मों की कहानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस फिल्म का नाम कॉपी किया गया है या एक महज इत्तफाक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दूं, काफी लंबे समय से इस फिल्म को रिलीज करने के लिए जद्दोजहद झेली जा रही थी, लेकिन फाइनली अब ये फिल्म 19 अगस्त को थिएटर में रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो आपको बता दूं, पूजा एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, और अगर आपने देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा है, और क्या आप अक्षय कुमार की इस जबरदस्त एक्शन फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके वो भी जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको जल्दी नए अपडेट के साथ मिलता हूँ।